अरविंद केजरीवाल के साथ समझौता ही क्या इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा संकट या परेशानी साबित होने वाला है? नहीं, संकट तो और भी आएंगे, संकट तो ये देखिए यूपी में अखिलेश को भी लेके आ सकता है, लेकिन ये बात सही है, मैं विनोद की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल ओवर एम्बिशियस आदमी हैं और मैन इन अ हरी जिसे कहते हैं, उनको बहुत जल्दी भी है, वो इंतजार भी नहीं करना चाहते हैं, तो पहले भी देखा गया है उनका इस तरीके का जो एटीट्यूड है, और शायद यही कारण है कि उनकी जितने जो शुरू में जो उनकी मंडली बनी थी अच्छे अच्छे कई अच्छे अच्छे लोग इंक्लूडिंग हमारे आशुतोष उनसे अलग हुए, और भी भाई क्योंकि अरविंद केजरीवाल टू गेट अलॉन्ग विद अरविंद केजरीवाल बड़ा मुश्किल काम है, और वो केवल इसकी क्योंकि महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा है, और ये प्रियंका कक्कड़ ने जो है जो कहा है वो मुझे लगता है वो भी बात जो है उन्होंने कुछ अपने इंटरेस्ट में कहा होगा, ये प्रवक्ता चाहते हैं अपने अपने ब्राउनी पॉइंट्स बनाना भी, इसलिए कहा होगा, और साथ साथ मुझे लगता है कुछ अंडरस्टैंडिंग में कहा होगा, ऊपर से कुछ ना इशारा हुआ भी हुआ होगा, क्योंकि उसमें ये कि शगुफा छोड़ दो और देखो क्या होता है, वही जो विनोद कह रहे थे कि भाई पत्थर फेंको और फिर जो है आगे चलो ढेले गया, एग्जैक्टली, तो वो इसके पीछे वही उद्देश्य दिखता है, ये नहीं है कि ऑफ द ऐसे ही उठा करके कह दिया गया है, ये सोच समझ के और उसके बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं, और ये पहले से प्लान्ड होगा कि बाद में कोई पार्टी का सीनियर लीडर संजय सिन्हा कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत रहा है, ये बहुत दफे देखा है हम लोगों ने कि जब जब इस तरीके की बात होती है तो फिर कहा जाता है नहीं नहीं ये तो उनकी व्यक्तिगत राय है, हमें इससे मतलब नहीं, तमाम केसेस में आपने आपने देखा होगा, वरुण गांधी के केस में भी देखा हम लोगों ने, कई कई बार देखा है, जब कोई कह देता है फिर उसको रफा दफा किया जाता है इस तरीके, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल समय समय पर अभी अपने रंग अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, और वो इस वजह से क्योंकि वो चाहते हैं अपनी प्रेजेंस बनाना, एक्चुअली दिखाना कि ये टेक्निकल रूप से नेशनल पार्टी नहीं, एक्चुअल रूप में कि हमें दो यहाँ और दो वहां, और उसमें इन द बार्गेन ये फैक्ट है कि बहुत सी ऐसी स्टेट है जहां उनका कोई वजूद ही नहीं है, और वहां वो मांगेंगे और कांग्रेस अपने शेयर से देगी तो उनका उसमें कांग्रेस का नुकसान भी हो सकता है, तो लेकिन उसमें ये मैं नहीं मानता कि उसकी वजह से उनको बीजेपी की बी टीम कह दिया जाए, ये अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इनडायरेक्टली अगर नुकसान होता है कांग्रेस का तो हर जगह ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी स्ट्रेटेजिकली देगी अगर सीटें इन्हें देगी उस जगहों पे उन स्टेट्स में जहां कांग्रेस का अच्छा वर्चस्व है तो वो देगी भी ऐसी सीटें जो कांग्रेस के यहाँ पे वीक है, क्यों देगी वो ऐसी जगह जहां कांग्रेस कॉन्फिडेंट होगी, और अरविंद केजरीवाल का क्योंकि वहां एग्जिस्टेंस नहीं है उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी मिलेगा उन्हें, तो ये बात अभी सामने क्लियर हो जाएगी इन तीन स्टेट में, लेकिन कि कहां कहां इनको एक्चुअली हाथ सब जगह मारेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इनके कुछ हाथ लगने वाला है, और ये शुरू में भी देखा है हम लोगों ने इंडिया अलायंस में उनका आना एक तरीके का पॉलिटिकल कंपल्शन था, वरना ये जिस तरीके से कर रहे थे उस टाइम, और जब इनको लगा कि नहीं अब ये वाला मामला अब जब गर्दन नीचे इनकी तलवार के नीचे है, जो दिल्ली वो जो निकाला इन्होंने ऑर्डिनेंस ले आई सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी वजह से इनकी गवर्नेंस अपनी इंडिपेंडेंट स्टेटस मिल नहीं पाएगा, इसलिए क्या इन्होंने इसी उम्मीद से, और जब कांग्रेस को बार बार रिपीट करना पड़ा कि हाँ वो इस इशू पे उनके साथ हैं तब वो हुआ है, लेकिन बहुत इसमें देखिए अभी अभी जो इंडिया अलायंस का जो बिल्डअप होगा उसमें जो मैं अखिलेश वाली बात कह रहा था उसको भी नजरअंदाज करने की का स्कोप नहीं है, क्योंकि उनको भी लगता है कि मैं तो यूपी का मालिक हूं, ऑपोजिशन में और कोई है नहीं, कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, कांग्रेस ने अब दिखाया है, हालांकि अभी तक कांग्रेस का कोई कुछ वजूद नहीं था यहाँ, अब वो अजय राय को ला करके प्रयास दिखला रहे हैं कि हम रिवाइवल करना चाहते हैं, अभी तक तो कोई इशारा भी नहीं था कि कहीं इंटेंशन है उनका रिवाइव करने, तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है, और बीच में इसको लेकर के उनको लगेगा कि मैं यहां से क्यों दे दूं, मैं तो सारी सीटें लड़ूंगा, अभी वो अभी इस पर झगड़ा होगा कि कितनी सीटों का शेयर कांग्रेस को दिया जाए, साहब उनकी तो अच्छा ये सब बात पास्ट में चलते हैं कि साहब कांग्रेस उस टाइम पे तो इनका पिछली बार तो कुछ नहीं था, तो पिछले बार का बात देखा जाए तो फिर कांग्रेस कहेगी नहीं हम तो एक जमाने में 40 साल तक रूल कर चुके हैं, एक तो हर ये भूल जाते हैं कि पॉलिटिक्स इतनी डायनेमिक होती है कि हर बार चेंज होता है, जरूरी नहीं है कि मायावती की एक भी सीट नहीं आई पिछली बार तो फिर ना जो उनका रवैया है, लेकिन बीजेपी बीएसपी किस तरीके से अपने कार्ड्स प्ले करती है
बीच में किसी ने शगुफा छोड़ दिया कि बीएसपी शायद इंडिया अलायंस में आए और नीतीश कुमार कोशिश में है कि उनको ले आए, वो अखिलेश के लिए कड़ा खड़ा हो जाएगा प्रॉब्लम। लेकिन बहरहाल जहां तक कमिंग बैक टू केजरीवाल, ये फैक्ट है कि केजरीवाल को हैंडल करने के लिए कांग्रेस को काफी बड़े केयरफुली करना पड़ेगा, और ये चाहे दोनों की मजबूरी हो उनकी भी, लेकिन घूम फिर के उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं से कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना अरविंद केजरीवाल उस तरह के ये चीज है कि कब स्लिप कर जाए कहां से और क्या सिचुएशन क्रिएट कर दें। मुझे लगता है कुछ मैटर्स में वो उतने ही अनप्रेडिक्टेबल हैं जैसे कि मायावती। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।